शानदार एंट्री था ये रेड हल्क का। लग रहा है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं रेड हल्क को इस मूवी के ज़रिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी टीजर में जो भी एक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है देखने में। लग रहा है कि हाँ, मार्वल स्टूडियो ने कुछ मेहनत किया है इस पे। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और ये मार्वल स्टूडियो की तरफ से एक नई मूवी आ रही है, वो भी 2025 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है मूवी। और ये टीजर आपको देखने को मिलेगा इंडिया मार्वल के चैनल पे, आपको ये टीजर देखने को मिलेगा और हिंदी में मिल जाएगा और बाकी 3-4 लैंग्वेज में, और आपको देखने को ये टीजर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस हिंदी टीजर को रिएक्शन कर लेते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका विल्सन, थैंक्स कि आपने मुझे याद किया। तो मैं आपको बिना मूंछों के देखने की आदत ओ भाई, मुझे कहा मुझे हटाओ या फिर कुर्सी से हट जाओ। विल्सन का भाई आवाज बहुत पतला दिया गया है हिंदी डब में। और अब मैं कैप्टन अमेरिका को दोबारा मिलिट्री में ऑफिशियल पोजीशन दिलवाना चाहता हूं। ओके, किसी मोड़ पर हमारी सोच ना मिल पाए तो क्या तबाही होगी। हाथ तो मिलाओ सैम, हम इस दुनिया को एक बेहतर कल देंगे। जो बाइडेन को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। ओ तेरी, सर दुश्मन आपके घर में बैठा है, या तो आपको दिखने का है या आप देखना नहीं चाहते। ये जाल हुआ तो तख्ता पलटने वाला है और तुम बस एक मोहरा। ओके, तुम भले ही कैप्टन अमेरिका हो लेकिन तुम स्टीव रॉजर्स नहीं। सही बात है। ओ भाई, पूरा व्हाइट हाउस ही उड़ा दिया। मैंने इतना पावर आ गया इस शील्ड में। ओ भाई साहब, तो पूरा रॉकेट बना हुआ है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ओ तेरी, ये रेड हल्क का एंट्री बारा है, मस्त था, मज़ा आ गया। काफ़ी शानदार एंट्री था ये रेड हल्क का। लग रहा है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं रेड हल्क को इस मूवी के ज़रिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी टीजर में जो भी एक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है देखने में। लग रहा है कि हाँ, मार्वल स्टूडियो ने कुछ मेहनत किया है इस पे। और सुनने में आया था इसका काफ़ी रीशूट हुआ है और कहानी में भी चेंजेस काफ़ी दिया गया था इसमें, और उसके बाद ये पूरा प्रोडक्ट आया सामने। बाकी रिलीज डेट अभी काफ़ी समय है रिलीज होने में, 14 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाला है, तो अभी तो बहुत टाइम है। और करीब करीब अभी 6 और 2 8 8 9 महीने बचे हुए हैं, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा इस मूवी को देखने के लिए। तो उम्मीद है कि ट्रेलर दिसंबर के आसपास आएगी, तो 3 महीने पहले शायद हॉलीवुड की मूवी का जो भी ट्रेलर है वो रिलीज किया जाता है। तो चलिए, जब ट्रेलर आएगा तो मज़ा आएगा देखने में। रेड हल्क को और ज़्यादा दिखाया जाएगा तो अच्छा लगेगा। रेड हल्क इसके वजह से शायद सब देखने जाएंगे। और बाकी मार्वल स्टूडियो का काफ़ी दिनों से टाइम ख़राब चल रहा है और काफ़ी मूवीज हैं जो डिले चल रहा है, और एंड गेम के बाद भाई कोई भी अच्छी मूवी आई नहीं अभी तक। तो उम्मीद है कि 2025-26 में बढ़िया बढ़िया मूवी आएगी। और एवेंजर्स भी काफ़ी मूवी आने वाली थी, 2-3 2025-26 या 2027 में शायद आने वाली थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं मार्वल स्टूडियो। बाकी आपको ट्रेलर तो आपको टीजर रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।